यदि किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती, उसके शरीर में दिन भर आलस, दिन भर सुस्ती ये बनी रहती है, या फिर भूख बहुत अच्छी लगती है, खाना बहुत अच्छा खाता है, उसके बाद भी उसके शरीर में सुस्ती बनी हुई है, उसके शरीर में आलस बना हुआ है, काम करने को मन नहीं करता, दिन भर पलंग पे लेटे लेटे आंखें बंद करके पड़ा रहता है, या फिर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है जिसका बहुत लंबे समय से उसका इलाज चल रहा है। मान लीजिए किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि टीबी की बीमारी है। अब टीबी की बीमारी के बारे में सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो बीमारी होती है वो व्यक्ति के शरीर में इस कदर ऊर्जा की कमी कर देती है, इस कदर उसके शरीर को अंदर से नष्ट कर देती है कि व्यक्ति बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है और हड्डियों का ढांचा रह जाता है। विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट उसके चलते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा उसको जो दवाएं दी जाती हैं वो पोषक तत्वों को बढ़ाने वाली दवाएं दी जाती हैं, ताकि उसके शरीर में थोड़ा सा ऊर्जा का प्रवाह हो सके, थोड़ा सा उसके शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिल सके। यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी है, एनीमिया जिसे कहा जाता है, तो खून की कमी में भी जिस दवा के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो मैं बात कर रहा हूं 5-फॉस के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारी बार इसके बारे में सुना होगा, होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में 5-फॉस बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है, जो समस्याएं मैंने अभी आपको बताई हैं उन समस्याओं के बारे में। इसे सबसे अच्छा माने जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें आपको कैल्शियम मिलता है, आपको पोटेशियम मिलता है, आपको आयरन मिलता है, आपको सोडियम मिलता है, यानी कि वे चार पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर की विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं को पूरा करने का काम करते हैं। सोडियम बहुत जरूरी है, पोटेशियम बहुत जरूरी है, कैल्शियम के बारे में तो दुनिया जानती है, और मैग्नीशियम ये भी हमारे शरीर के लिए, खास तौर से हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये जो पोषक तत्व हैं वो फॉस्फेट के रूप में इस दवा में मिले हुए हैं। इस दवा में क्या क्या मिला है मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। इसमें मिला हुआ है कैल्केरिया फॉस, फेरम फॉस, काली फॉस, मैग फॉस और नेट्रम फॉस, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की ये जो कमी है ये दवा पूरी करती है। लक्षण मैंने आपको बता ही दिए हैं कि किन किन लक्षणों में हमें इस दवा का उपयोग करना है। यदि किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है, खुल के भूख लगने लगेगी ये दवा खाने के बाद से, भूख लगती है लेकिन आलस है, सुस्ती है, काम करने में मन नहीं लगता, मानसिक रूप से बड़ी थकान रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, गाड़ियों में आते जाते हैं, ट्रेन में 2-2 घंटे सफर कर रहे हैं, उसके बाद जब घर आते हैं थक जाते हैं, सो जाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके बाद यदि हम बात करें कि जिन लोगों को खून की कमी है, आप आयरन की गोलियां खाइए बहुत ज्यादा जरूरी है, विटामिन की गोलियां खाइए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन फेरम फॉस यानी कि जिस रूप में हमारे शरीर में आयरन की जरूरत है वो इस गोली में, इस टैबलेट में मिला हुआ है। तो आपको ये टैबलेट खा सकते हैं यदि आपको खून की कमी या जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं वो है। तो इसका जो डोज है वो इस पे लिखा हुआ है कि इसकी 4-4 गोलियां दिन में 4 बार एडल्ट को खानी है, यानी कि 15 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसकी 4-4 गोलियां दिन में 4 बार खाए, और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 2-2 गोलियां दिन में 4 बार इसकी देना चाहिए। तो आपके शरीर में जितनी भी ऊर्जा से संबंधित कोई कमी है, पोषण नहीं मिल रहा है, याददाश्त की कमजोरी है, अब जब पोषण नहीं मिलेगा तो मेमोरी वीक होनी ही है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो ग्लूकोज पे निर्भर करता है, तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये गोली खाने से ठीक होने लगती हैं। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो समस्याएं, जो सिम्टम्स, जो लक्षण मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताए हैं उनमें से कोई भी लक्षण आपके शरीर से मैच करता है, तो आप इस दवा का उपयोग करना, इस दवा को खाना शुरू कर सकते हैं। और खाने का तरीका बड़ा आसान है, आपको ये पानी से नहीं खाना है, बस जीभ पे रख के, मुंह में रख के इसको चूस लेना है, ये घुल जाती है, ये माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट्स होती हैं होम्योपैथी में, तो ये आप उपयोग कर सकते हैं। कंपनी आप कोई भी ले सकते हैं, ये हालांकि मेरे पास SBL की है, लेकिन मैं SBL का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, आप जो कंपनी आपको फाइनेंशियली सूट करे, क्योंकि हर कंपनी 5-फॉस टैबलेट बनाती है, तो आप 5-फॉस किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, आर्थिक रूप से जो आपको ठीक लगता है आप उस दवा का, उस कंपनी को लेना शुरू कर सकते हैं, और इस दवा के उपयोग से आपको निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छे फायदे मिलेंगे। दोस्तों, ये जो दवा है 5-फॉस, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी पर बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। हमारे यहाँ से कभी भी किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार की कोई भी दवा
ना तो भेजी जाती है और ना ही बेची जाती है। इसलिए यदि आप इस दवा को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या फिर ऑनलाइन फार्मेसी से संपर्क करें। फाइव फॉस को खाते समय हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये दवा हमें जीभ पर रखकर चूसना है, इसे पानी से नहीं खाना है। और जब भी हम ये दवा खाएं तब हमारे मुंह में किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे मुंह में किसी चीज़ का स्वाद होगा तो दवा के काम करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि या तो दवा हमेशा खाली पेट खाई जाए या फिर खाना खाने के लगभग आधे घंटे एक घंटे पहले या 2 घंटे 2.5 घंटे बाद हम इस दवा का सेवन करें, जिससे कि ये अपनी पूरी क्षमता के साथ हमारे शरीर में काम कर सके। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।